हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी और ख़ास भी, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे IPL 2022 के टीम्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, वेन्यूज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, स्क्वाड्स के बारे में, वो आखिर में हम लोग किस वीडियो में बात करने जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो आप सभी लोगों को बस करना इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कुल मिलाकर 10 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है IPL 2022 में, और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 74 मैचेस खेले जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि IPL 2022 की शुरुआत होगी 26 मार्च को, लेकिन दोस्तों IPL 2022 खत्म होगा 29 मई को। ये लगभग 2 महीने चलने वाला है। और दोस्तों मैं आप सब लोगों को बता दूं कि शेड्यूल, वेन्यूज और टाइमिंग, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग एक ही बार में बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग किस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के बारे में हम लोग किस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम है टीम्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 10 टीम, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें पहले नंबर पर नाम है दिल्ली कैपिटल्स का, दूसरा नंबर पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, वही तीसरा नंबर पर नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद का, चौथा नंबर पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, पाँचवें नंबर पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, छठे नंबर पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, सातवें नंबर पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, आठवें नंबर पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो दोस्तों ये तो वो 8 टीम है जो कि दोस्तों काफ़ी पुरानी टीम है, लेकिन जो 2 टीमें हैं जो अभी अभी नई बनी हैं, उन दोनों टीमों का नाम कुछ इस प्रकार से है। 9वीं टीम का नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और 10वीं टीम का नाम होगा गुजरात टाइटंस। तो ये तो बात करें हमने सारी की सारी टीम्स के बारे में जो कि दोस्तों थी IPL 2022 के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग केस वीडियो में शेड्यूल, वेन्यूज और टाइमिंग, हम इस तीनों टॉपिक के बारे में एक ही बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग अपनी इसके में सबसे शेड्यूल देख पा रहे हो, मैं आपको बता दूँ कि शुरू की 10 मैचेस का शेड्यूल है। मैं आपको बता दूँ कि ये मैच सैटरडे को खेला जाने वाला है 26 मार्च को, और ये खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है, और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच खेला जाएगा संडे को जो कि 27 मार्च को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच 3:30 बजे शुरू होगा, और ये मैच खेला जाएगा बेलगांव में जो कि दोस्तों CCI में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि तीसरा मैच खेला जाएगा संडे को ही, वो होगा 27 मार्च को। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये मैच पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये 7:30 बजे खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा डी ए पाटिल स्टेडियम में। फिर दोस्तों उसके बाद जो चौथा मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा मंडे को जो कि होगा 28 मार्च को। मैं आपको बता दूं कि ये खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है, और ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। उसका पांचवा मैच ट्यूसडे को खेला जाने वाला है, ये मैच खेला जाएगा 29 मार्च को जो कि होगा दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये मैच भी 7:30 बजे खेला जाने वाला है, और ये मैच खेला जाएगा MCL स्टेडियम में जो कि पुणे में स्थित है। और दोस्तों उसके बाद छठा मैच खेला जाएगा वेडनेसडे को, ये मैच 30 मार्च को खेला जाने वाला है, और ये मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से DFRDC स्टेडियम में खेला जाने वाला है। फिर दोस्तों सातवां मैच खेला जाएगा थर्सडे को जो कि दोस्तों होगा 31 मार्च। मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है, ये मैच खेला जाएगा बैबून के स्टेडियम में जो कि दोस्तों CCI में स्थित है। उसका आठवां मैच खेला जाने वाला है फ्राइडे को जो कि दोस्तों तारीख होगी 1 अप्रैल। मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज पंजाब किंग्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है, वही बात की जाएगा कि तो मैं आपको बता दूँ जगह वानखेड़े स्टेडियम ही है। फिर उसका शुरू होगा 9वां मैच जो कि दोस्तों खेला जाने वाला है सैटरडे को। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 2 अप्रैल को खेला जाने वाला है, और ये मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये मैच 3:30 बजे शुरू होने वाला है, और ये मैच खेला जाएगा DY पाटिल स्टेडियम में। उसके बाद दोस्तों जो 10वां मैच है वो खेला जाएगा सैटरडे को, यानी दोस्तों सैटरडे को डबल हेडर होने वाला है। ये मैच भी 2 अप्रैल को खेला जाने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा MCA स्टेडियम में जो कि पुणे में स्थित है। तो ये तो बात कर ले हमने शुरू के 10 मैचेस के शेड्यूल के बारे में। और दोस्तों जो अगले 10 मैचेस का शेड्यूल है वो आप
अपनी स्क्रीन में बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हो कि ये कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों जो ग्यारहवें मैच खेला जाने वाला है वो खेला जाएगा संडे को। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि तारीख होगी 3 अप्रैल। वही बात की जाए कि मैच कौन सा होगा तो मैं आपको बता दूं कि मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। ये मैच बाबा में खेला जाने वाला है जो कि दोस्तों CCIMS थी थे। उसका 12वां मैच खेला जाएगा मंडे को जो कि दोस्तों 4 अप्रैल होगी। उस दिन मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर किंग्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा TAY पाटिल स्टेडियम में। उसका जो 13वां मैच होगा वो खेला जाएगा डोस्टे को। तारीखों की 5 अप्रैल मैच होगा राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच का। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच आपको वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा। फिर बात कीजिए 14 मैच कौन सा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये मैच वेडनेसडे को 6 अप्रैल को खेला जाने वाला है। और ये मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 7:30 बजे से। मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाने वाला है MCA स्टेडियम में जो कि दोस्तों पुणे में स्थित है। 15वां मैच खेला जाएगा थर्सडे को जे तारीख होगी 7 अप्रैल। मैं आपको बता दूं कि उस दिन खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मैच। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 7:30 बजे ही आएगा। और ये मैच खेला जाएगा DY बादली स्टेडियम में। उसका दोस्तों 16वां मैच फ्राइडे को खेला जाने वाला है 8 अप्रैल को। ये मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। ये मैच 7:30 बजे खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा बैपाउन में जो कि 200 CCIMS थी थे। और उसका 17वां मैच सैटरडे को खेला जाने वाला है। तारीख होगी 9 अप्रैल। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 3:30 बजे से। ये मैच खेला जाने वाला है DY पाटिल स्टेडियम में। उसके दोस्तों 18वां मैच भी सैटरडे को ही खेला जाने वाला है 9 अप्रैल को। और ये मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई के बीच में। और ये मैच 7:30 बजे MCA स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि दोस्तों पुणे में स्थित है। यानी दोस्तों इस दिन डबल हेडर्स हो गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 19वां मैच संडे को खेला जाने वाला है 10 अप्रैल को। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। ये मैच भी दोस्तों 3:30 बजे शुरू होगा। और ये मैच खेला जाएगा बैपाउन में जो कि दोस्तों CCIMS थे। उसके दोस्तों जो 20वां मैच है वो खेला जाएगा संडे को। यानी दोस्तों उस दिन डबल हेडर है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा 10 अप्रैल को। ये मैच होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो ये तो बात कर ली हमने पूरी की पूरी लगभग 20 मैचेस के बारे में। वही बात की जाए अगले के बाकी 10 मैचेस के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि 21 से 30 मैचेस। मैं आपको बता दूं कि जो 21 मैच होगा वो खेला जाएगा मंडे को 11 अप्रैल को। वो मैच शुरू होने वाला है। और वो मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। में 7:30 बजे से TY पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। जो 22वां मैच होगा वो खेला जाएगा ट्यूसडे को। ये मैच दोस्तों 12 अप्रैल को शुरू होगा। और ये मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा DY पाटिल स्टेडियम में। 23 मैच खेला जाएगा मनेशे को। और दोस्तों तारीख होगी 13 अप्रैल। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से। वो भी MCA स्टेडियम में जो कि पुणे में स्थित है। 24वां मैच टेस्ट को 14 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा DY पाटिल स्टेडियम में। 25वां मैच खेला जाएगा फ्राइडे को, वो भी 15 अप्रैल से। और ये मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच जो कि CCIMS स्थित है वहाँ पर खेला जाने वाला है। 26वां मैच सैटरडे को 16 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच होगा मुंबई इंडियंस वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 3:30 बजे से। और ये मैच मुंबई में खेला जाने वाला है जो कि CCIMS स्थित है। 27वां मैच सैटरडे को 16 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 7:30 बजे से। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और जो 28वां मैच होगा वो खेला जाएगा संडे को जो कि 17 अप्रैल को खेला जाने वाला है। मैच होगा पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 3:30 बजे से। ये मैच बाबा में खेला जाने वाला है जो कि CCIMS स्थित है। 29वां मैच संडे को खेला जाने वाला है। ये तारीख होगी 17 अप्रैल। मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच 7:30 बजे MCA स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है वहाँ भी खेला जाने वाला है। और उसका 30 और आखिरी मैच मंडे को खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि तारीख होगी 18 अप्रैल। वही मैच होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। और ये खेला जाएगा 7:30 बजे से पैपांग के स्टेडियम में जो कि CCIMS स्थित है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे थे 31 से 40 के मैच के बीच की शेड्यूल की बात। तो दोस्तों 31 से लेकर 40 के मैच का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। 31वां मैच खेला जाएगा ट्यूसडे को। और ये खेला जाएगा 19 अप्रैल को। मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 7:30 बजे मैच खेले जाने वाला है।
मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि यह मैच खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 32वें मैच में शेखोपी से प्रेस खेला जाने वाला है और यह मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से। और यह मैच एमसीएस स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है वहाँ पर खेला जाने वाला है। 32वां मैच टेस्ट को खेला जाने वाला है 21 अप्रैल को। यह मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा 7:30 बजे से। और यह मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 34वां मैच फ्राइडे को खेला जाएगा 22 अप्रैल से। और यह मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। और यह मैच खेला जाएगा एमसीएस स्टेडियम में जो कि पुणे में स्थित है। 35वां मैच सैटरडे को खेला जाने वाला है 23 अप्रैल को। यह मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स के बीच। मैच 3:30 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 36वां मैच सैटरडे को 23 अप्रैल को खेला जाने वाला है। यह मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7:30 बजे से। यह मैच पब्बन चुकी सीसीआई में स्थित है वहाँ पर खेला जाने वाला है। उसके दोस्तों 37वां मैच संडे को खेला जाएगा 24 अप्रैल को। और यह मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 38वां मैच मंडे को 25 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच होगा पंजाब किंग्स वर्सेस सीएसके के बीच यानी चेन्नई सुपर किंग्स। ये मैच 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 39वां मैच ट्यूसडे को 26 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाने वाला है 7:30 बजे से। वो भी एमसीएस स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित है। 40वां मैच खेला जाएगा वेडनेसडे को 27 अप्रैल को। ये मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7:30 बजे से। ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो दोस्तों तो बात कर लें 31 से 40 के बीच के शेड्यूल की बात, वही बात कीजिए 41 से 50 के शेड्यूल की बात। तो जैसे कि आप सब लोग अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो कि 41 से 50 का शेड्यूल ये कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 41वां मैच टेस्ट को 28 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 7:30 बजे से। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 42वां मैच फ्राइडे को 29 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच होगा पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से एमसीएस स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि पुणे में स्थित है। उसका 43वां मैच सैटरडे को 30 अप्रैल को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 3:30 बजे से। और दोस्तों बैंगलोर की स्टेडियम में खेला जाने वाले जो कि सीसीआई में स्थित है। 44वां मैच सैटरडे को खेला जाने वाला है यानी ये मैच डबल हेड होने वाला है 30 अप्रैल को ही। ये मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 45वां मैच संडे को खेला जाने वाला है 1 मई को। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 3:30 बजे से खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। 46वां मैच संडे को खेला जाने वाला है ये मैच होगा डबल हेडर। और मैं आपको बता चुकी ये मैच खेला जाएगा 1 मई को। ये मैच होगा चेन्नई हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये मैच 7:30 बजे से एमसीएस स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि पुणे में स्थित है। 46वां मैच मंडे को 2 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। 48वां मैच ट्यूसडे को 3 मई को गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 49वां मैच वेडनेसडे को 4 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 7:30 बजे से एमसीएस स्टेडियम जो कि पुणे में स्थित वहाँ पर खेला जाने वाला है। 51वां मैच थर्सडे को 5 मई को दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच 7:30 बजे से बैबर की छेड़ में खेला जाने वाले जो कि सीसीआई में स्थित है। तो ये तो बात कर लें 41 से 50 के मैच के शेड्यूल के बारे में। और अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट 51 से लेकर 60 के मैच के शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों 51वां मैच फ्राइडे को 6 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 7:30 बजे से। मैच पर बन चुकी सीसीआई में इसलिए वहाँ पर खेला जाने वाला है। 52वां मैच सैटरडे को खेला जाने वाला है 7 मई को। ये मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच 3:30 बजे से। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 43वां मैच सैटरडे को 7 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 3:30 बजे से। मैं आपको बता दूं कि ये मैच खेला जाएगा एमसीएस स्टेडियम में जो कि पुणे में स्थित है। दोस्तों मुझे लगता है कि जब 7:30 बजे से एक भी मैच नहीं खेला जाने वाला। ये दोनों मैच तो 3:30 बजे से शुरू होने वाले हैं। वो आप देख लीजिएगा कि ये मैच कहाँ पे आने वाला है।
तो दोस्तों जो 54वां मैच है ये मैच संडे को खेला जाने वाला है 8 मई को। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। और ये मैच 3:30 बजे से खेला जाने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में। 55वां मैच संडे को ही 8 मई को खेला जाने वाला है। और ये मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच 3:30 बजे से। और ये मैच बुड्डी भाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइमिंग सेम है, तो यहाँ पे आपको मैच देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे दोस्तों जैसे मुझे पता चलेगा कि ये किस किस चैनल में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वही बात की अगले मैच की जो कि होगा 56वां मैच जो कि मंडे को खेला जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये मैच 9 मई को खेला जाएगा। ये मैच होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ये मैच खेला जाएगा 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा डीवाई बॉडी स्टेडियम में। वही बात कीजिए 57 मैच की, तो वो मैच ट्यूसडे को 10 मई को खेला जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच होगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता टाइटंस के बीच 7:30 बजे से। ये मैच एमसीए स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि पुणे में स्थित है। 58वां मैच वेडनेसडे को 11 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच भी दोस्तों डीवाई बॉडी स्टेडियम में ही खेला जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 59वां मैच थर्सडे को 12 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच 7:30 बजे से, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में। 7वां मैच खेला जाएगा फ्राइडे को 13 मई को, वो भी ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाने वाले पेपोन में जो कि 200 सीसीआई में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 6-7 से लेकर 17 के मैच के बीच के शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों जो 61वां में मैच है ये मैच सैटरडे को 14 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच एमसीए स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि पुणे में स्थित है। 62वां मैच संडे को 15 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता टाइटंस के बीच 3:30 बजे से। और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 63वां मैच भी संडे को खेला जाने वाला है, चेन्नई डबल हेडर है। और ये मैच खेला जाएगा 15 मई को। ये मैच खेला जाएगा रॉयल सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स के बीच 7:30 बजे से। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच प्रभाव में खेला जाने वाले जो कि सीसीएमई से थे। 64वां मैच मंडे को खेला जाने वाला है 16 मई को। ये मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच ट्वाइलाइट पाटिल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 65वां मैच ट्यूसडे को 17 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 66वां मैच वेडनेसडे को 18 मई को खेला ना जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में। 67वां मैच खेला जाएगा थर्सडे को 19 मई को। ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता टाइटंस के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। 68वां मैच फ्राइडे को 20 मई को खेला जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच पंजाब की सीसीएमई स्थित है, वहाँ पर खेला जाने वाला है। 69वां मैच सैटरडे को 21 मई को खेला जाने वाला है। और ये मैच होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। 70वां मैच खेला जाएगा संडे को। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच 22 मई को खेला जाने वाला है। और ये मैच खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच 7:30 बजे से। और ये मैच भी वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो ये तो बात के लिए हमने 61 से लेकर 70 के बीच के शेड्यूल के बारे में। वही बात की जाए कि क्वालिफायर्स एलिमिनेटर और फाइनल के बारे में कि वो कब कब खेले जाने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग अभी इसके में सबसे देख पा रहे हो कि वो भी। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पहला क्वालिफायर 22 मई को खेला जाने वाले 7:30 बजे से ये अहमदाबाद में खेला जाएगा। एलिमिनेटर 24 मई को 7:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। सेकंड क्वालिफायर 27 मई से 7:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। और फाइनल 29 मई को 7:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। अहमदाबाद वाले मैच से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो दोस्तों वही बात कीजिए स्क्वाड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड के बारे में। तो ऐसे होने वाले स्क्वाड, तो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे विराट कोहली, दूसरे नंबर पे है एस प्रभु देसाई, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर पे अनुज चावल, पांचवें नंबर पे दिनेश कार्तिक, छठे नंबर पे फिनेनर और सातवें नंबर पे लुविस साउंटाला। मैं आपको बता दूं कि 8वें नंबर पे एक गौतम, 9वें नंबर पे डेविड विले, 10वें नंबर पे गेम मैक्सवेल, 11वें नंबर पे मणिपाल नोमनोर, 12वें नंबर पे शहबाज अहमद, 13वें नंबर पे शिनव दफोर, 14वें नंबर पे वनिंदर सरंका, 15वें नंबर पे अगस्तीप, 16वें नंबर पे जमा मिनल, 17वें नंबर पे अर्षा पटेल, 18वें नंबर पे जैसे वैंडूफ, 19वें नंबर पे जोसेफ सेलवुड, 20वें नंबर पे मोहम्मद सिराज,
21 रनों में सिद्धार्थ कौल 22 और आखिर में विवेकानंद शर्मा। तो ये तो बात करें राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्क्वाड के बारे में। फिर बात कीजिए कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड की, तो ऐसे होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड जैसे कि आप सब लोग अभी इस गेम पे सबसे देख पा रहे हो गए। पहले नंबर पर आ गया अभिजय तोमर, दूसरे नंबर पर आ गए अजिंक्य रहाणे, तीसरे नंबर पर हेलिक सेल्स, चौथे नंबर पर नीतीश राणा, पाँच नंबर पर आ गए बत्तम सिंह और दोस्तों उसको छठे नंबर पर आ गए नवेश कुमार, सातवें नंबर पर निकू सिंह, आठवें नंबर पर शेयर सैयद, नवे नंबर पर आ गए बाबा इंतजा, दस नंबर पर आ गए सैम बिलिंग्स और ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर आ गए शेल्डन जैक्सन। दोस्तों आखिरी नंबर बैट्समैन का था। उसके बारहवें नंबर पर आ गए अमन कान, तेरहवें नंबर पर अंडर साल, चौथे चौदहवें नंबर पर अनुकूल रॉय, पंद्रहवें नंबर पर जमिका कोनाडर, सोलहवें नंबर पर मोहम्मद शमी नबी, सत्रहवें नंबर पर पैट कमिंस, अठवें नंबर पर आ गए वेंकटेश, उन्नीसवें नंबर पर अशोक मत, बीसवें नंबर पर किस समाकर, इक्कीसवें में शिवम अभी, बाईसवें में टीम साथ, तेईसवें में उमेश यादव, बीसवें में सुनील नारायण और बत्तीसवें और आखिर में आ गए वरुण चक्रवर्ती। वही बात की चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड की, तैसे आने वाले चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन में सबसे देख पा रहे हो गए। पहले नंबर पर आ गए सी हरी निशांत, दूसरे नंबर पर ऋतुराज का, तीसरे नंबर पर अंबर दयाडू, चौथे नंबर पर टेमन कौन, पाँचवें नंबर पर एम एस धोनी, सोलहवें नंबर पर छठे नंबर पे एन जगदीशन, सतवें नंबर पे आई के नब्बे थप्पा, अठवें नंबर पे आई के भगत वर्मा, नौवें नंबर पे आई के डैम पिटोरियस, दसवें नंबर पे डैन ब्रावो, ग्यारहवें नंबर पे आई के मिथिस हंडा, बारहवें नंबर पे मोहन अली, तेरहवें नंबर पे आई के नमिता जडेजा, दसवें नंबर पे आई के शिवम दुबे, पंद्रहवें नंबर पे अडामी, सोलहवें नंबर पे के जोर्डन, सतवें नंबर पे दीपक चार, अठवें नंबर पे के एम आसिफ, उन्नीसवें नंबर पे एम चौधरी, बीसवें नंबर पे आई के आर हंगाकर, इक्कीसवें नंबर पे आई के सिमरजीत सिंह, बाईसवें नंबर पे आई के एस एन अंपति, तेईस नंबर पर आ गए दूसरे तेईस महेंद्र, चौदह चौबीसवें पर आ गए अमित किसाना और पच्चीसवें और आखिरी नंबर पर आए के प्रशांत सोलंकी। तो वही बात की डेली कैपिटल्स की स्क्वाड की, तो जैसे कि आप सब लोग अभी इसके में सबसे देख पा रहे हो कि डेली कैपिटल्स की स्क्वाड कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर आ गए अश्विन हैपर, दूसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर, तीसरे नंबर पर मनदीप सिंह, चौथे नंबर पर पृथ्वी शाह, पाँचवें नंबर पर सरफराज खान, छठे नंबर पर गैस फरा, सातवें नंबर पर ऋषभ पंत, आठवें नंबर पर टीम सेपर्ट, नौवें नंबर पर अक्षर पटेल, दसवें नंबर पर रिजी यादव, तेरहवें नंबर पर मिचिन मास, चौदहवें नंबर पर दीपाल पटेल, पंद्रहवें नंबर पर नवें पवार, सोलहवें नंबर पर विजय सूल, सत्रहवें नंबर पर अनिश शोस्ट्रे, अठारहवें नंबर पर आई के जितिन सागारिया, उन्नीसवें नंबर पर आई के कमलेश काकोटी, बीसवें नंबर पर गली अहमद, इक्कीसवें में लुंगी नगरी, बाईसवें में मुस्तफ़ी सुलेमान, तीसवें पर शरू ठाकुर, 24 नंबर पर आ गए गुलती जाते, 25 में आए के पविन दुबे और 26 आखिर में आए के विक्की ओसवाल। तो ये तो बात कर रहे हैं 24 प्लेयर्स के बारे में, यानी तो सिर्फ स्क्वाड के बारे में। वही बात कीजिए मुंबई इंडियंस की, तो कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर आ गए अमरप्रीत सिंह, दूसरे नंबर पर आ गए डेविड डेविस, तीसरे नंबर पर आ गए राहुल बुथी, चौथे नंबर पर रोहित शर्मा, पांचवें नंबर पर सूर्य कुमार यादव, छठे पे आर्यन चौहान, सातवें नंबर पर ईशान किशन, आठवें पर अर्जुन तेंदुलकर, नौवें नंबर पर डैन सैम, दसवें पे फेमेलन, ग्यारहवें पे दीतिक शौकीन, बारहवें पे जफर आज, तेरहवें पे कैरम पुलाट, चौदहवें पे मोहम्मद अरशद खान, पंद्रहवें नंबर पे आगे रमनदीप सिंह, सोलहवें पे आगे संजय यादव, सत्रहवें पे दिलक वर्मा, अठवें पे जिम डेविड, उन्नीसवें पे आगे बुलसी तमवी, बीसवें पे आगे जसप्रीत बुमराह, इक्कीसवें में आगे जयदेव नाटका, बाईसवें बलीर मेहंदी, तेईसवें पे तैमन मीस, 24 पे मयंक मार्कंडे, और पंद्रहवें और आगे पे आगे मुरुगन अश्विन। तो बात करें 25 मैं स्क्वाड के बारे में चुकी थी दोस्तों मुंबई इंडियंस की। बात कीजिए राजस्थान रॉयल्स की, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर देवता पटेल, दूसरे पर करुण नायर, तीसरे पर दर्शी वंडर टूसैन, चौथे पर एम पेरा, पाँचवें बैग के सिमरा हेडमैन, छठे बैग के सातवें पे आए के तोफ चोयल, आठवें बैग के जोश बटर, नौवें पे संजू सैमसन, दूसरे पे आए के अनुराय सिंह, ग्यारहवें पे आ गए डैम मिर्चे, बारहवें पे चिमिनीशम, तेरहवें पे नथान कुल्टा नाइन, 14 नंबर पे आ गए दविचंद अश्विन, पंद्रहवें आ गए कुलदीप सेन, सोलहवें पे आ गए कुलदीप यादव, सत्रहवें पे आ गए नवदीप सैनी, अठारहवें पे आ गए ओबेडम सिकोए, 19वें पे आ गए विशित कृष्णा, 20वें पे आ गए डैन बॉल्ट, 21वें में आ गए केसी कराबा, और दोस्तों उसके 22वें पे आ गए तेजब पुस्तो का, उसको 20 थी, और आखिरी नंबर पे आ गए जुजुंद चहल। तो ये तो बात करें मैं 24 मेंबर स्क्वाड के बारे में, जो कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की। दोस्तों तेला कलर नाम सुनने को मिल रहा है, इसका जयपुर नंबरिंग में भी थोड़ी सी गलती हो रही है। वही बात की सनराइजर हैदराबाद की स्क्वाड की, तो ये कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पे आ गए एडम मैकलम, दूसरे पे केन विलियमसन, तीसरे पे रियान बराक, चौथे पे नवदीप भाटी, पाँचवें नंबर पे आ गए रवि कुमार समत, छठे पे आ गए निकोलस पेरेन, सातवें पे विष्णु विनोद, आठवें पे अब्दुल समद, नौवें पे अभिषेक शर्मा, दसवें पे कैम फिलिप्स, ग्यारहवें नंबर पे आ गए मगोदसम, बारहवें नंबर पे नुमान शफर, तेरहवें नंबर पे सिनेपोर,
49 आए के सत्संग सिंह, 15 पे आए के वशिंडे सुंदर, 16 पे आए के भुवनेश्वर कुमार, 17 पे आए के फजल फारूकी, 18 पे आए के कार्तिक त्यागी, 19 पे आए के सौरभ दुबे, 20 पे आए के टीना टचन, 21 पे आए के उमा मलिक, 22 पे आए के जगदीश सुजीत, और 220 थी और आखिर पे आए के शेष गोपाल। तो ये तो बात करें मिशन ऐसा है तब बात की भी स्क्वाड के बारे में। वही बात की जाए पंजाब किंग्स की स्क्वाड की, तो ऐसे आने वाले पंजाब किंग्स की स्क्वाड जैसे कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर सबसे देख पा रहे होंगे। पहले नंबर पे आए के बानू राजपक्षा, दूसरे पे आए के मयंक अग्रवाल, तीसरे पे आए के ब्रेक मंकट, और दोस्तों चौथे नंबर पे आए के शाहरुख खान, पांचवें पे आए के शिखर धवन, छठे पे आए के जितेंद्र शर्मा, सातवें पे आए के जॉनी बेस्ट्रो, आठवें नंबर पे आए के सिंध मान सिंह, उसके बाद दोस्तों 9वें पे आए के अंश पटेल, 10वें पे आए के अथर्व डेड, और दोस्तों उसके बाद 11वें पे आए के बनी होवल, 12वें पे आए के हमें पे, 13वें नंबर पे आए के नेहा निशंत, 14 पे आए के ओडी स्मिथ, 15 पे आए के राजप्रवास, 16वें दोस्त नंबर पे आए के ऋषि जवान, उसके बाद 17वें पे आए के वैभव हबड़ोरा, 18वें पे आए के विदिक चाची, उसके बाद बॉलर्स में हैं 19वें नंबर पे आए के अर्शिव सिंह, 20वें पे आए के बलतेज थमदे, उसको 21वें पे आए के ईशान पर, 12वें पे आए 22वें पे आए के ककसर बॉर्डर, 23 में रतन एलिस, 24 में संदीप शर्मा, और 25वें और आखिरी में आके लाउचार। वही बात की जाए दोस्तों लखनऊ सुपर जैन सिक्स स्क्वाड की, तो कुछ इस प्रकार से है। पहले पे एम एल एस, दूसरे पे मनम वर, तीसरे पे मनीष पांडे, चौथे पे के राहुल, पांचवें पे कॉन्ट्रेट कॉक, छठे पे आए के अर्श पटौनी, सातवें पे दीपक हुडा, आठवें पे जसा होल्डर, नौवें पे करण शर्मा, दसवें पे किशन पकौर्धन, ग्यारहवें पे आए के गुना पांडे, बारहवें पे काल पैस, तेरहवें पे आए के मार्कस चौनी, 14 पे आए के अंकित ताजपूत, 15 पे आए के अवेश कांत, 16वें पे आए के दुष्यंत चमीर, 17वें पे मार्क वोट, 18वें पे आए के मंगज यादव, 19वें पे आए के मोइन खान, 20वें पे आए के रवि बिश्नोई, 21वें और आखिर में पे आए के शहबाज नदीम। तो ये तो बात कर लीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स के 21 मेंबर स्क्वाड के बारे में। भी बात की जाए दोस्तों आखिरी टीम की स्क्वाड के बारे में, चूंकि है गुजरात टाइटंस की स्क्वाड की, तो जैसे कि आप सब लोग अपनी इसके भी सबसे देख पा रहे हैं गुजरात टाइटंस की स्क्वाड कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे आए के अभिनव मोहर, दूसरे पे आए के देवि मिले, तीसरे पे आए के कुकी सिंह, चौथे पे जसन राय, पांचवें पे शुभम गिल, और दोस्तों छठे पे मैथ्यू वेट, सातवें पे विद्यमान शाह, आठवें पे अलसारी चौसा, नौवें पे पीसा सुधा, दोस्तों इसको आप लेना, दोस्तों को भी आप लेना, और क्या भी पैके डोमिक टेस्ट पर हाथी पांडे, तेवे भी जैन जाता, 14 पे राहुल त्रिपाठी, 15वें पे विजय शंकर, उसको 16वें पे आए के फिर 17वें पे आए के मोहम्मद शमी, 18वें पे आए के 32 सिंह, उसके बाद दोस्तों आए के वरुण अरोड़ा, उसके बाद जस तैयार, उसके बाद नूर अहमद, उसके बाद आई सी किशोर, उसके बाद आए के राशिद खान। तो ये तो बात करें मेट्रो डी थी मेम्बर स्क्वाड के बारे में चुकी थी दोस्तों गुजरात टाइटंस की, तो हम सारे के सारे स्क्वाड के बारे में बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर बात कीजिए आखिरी टॉपिक के बारे में चुकी होने वाला है लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको शायद सोशनाडो टेलीकास्ट करने वाला है। तो मैं आपको बता दूँगी ये आपको सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूँगी ये आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलने वाला है। भाई बात कीजिए कि ये मैच आपको वैसे इंग्लिश में काफ़ी देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपको इंग्लिश ईशा सोसन में देखने को मिलेगा, हिंदी में आपको जीत आपको देखने को मिलेगा ईशा सोसन हिंदी में, और कभी कभार ये आपको ईशा गोल में भी देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं कभी कभार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने ना भूलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करने ना भूलेगा, और दोस्तों आप जी कमेंट करके सब बताएगा कि आप क्या चाहते हो कि कौन जीते इस आईपीएल 2022 की ट्रॉफी। तो अब मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।